तो फ्रेंड्स, हाउ टू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 15 फीट बाई 30 फीट में ये प्लान बना हुआ है, जो कि 450 स्क्वायर फीट में होगा। 50 गज में ये प्लान बना हुआ है। साउथ डिजाइन से आप 400, 450, 500 स्क्वायर फीट तक का आप आइडिया ले सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस प्लान की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 15 फीट की होगी, जिसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 30 फीट की होगी। इस साइड इसका प्लांटेशन एरिया मिलेगा, जिसमें आप इजिली प्लांटेशन वगैरह कर पाएंगे। साइड इसका मेन गेट मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़ा गेट हमने प्रोवाइड किया। टू साइड आयरन का डोर होगा। इस गेट की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 6 फीट की होगी। इसी गेट से एंट्र होती का फिर आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। इस पार्किंग एरिया की बात करें तो आपकी 6 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 10 फीट की इसकी लंबाई होगी। इस साइड आपके बाइक्स वगैरह इसलिए पार्क कर पाएंगे। इस साइड अपना सेपरेट टैंक या वाटर टैंक भी आप इसलिए बना पाएंगे, जिसमें अपना वाटर वगैरह स्टोर कर पाएंगे। इस साइड आपको फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए हमने स्टेयर्स प्रोवाइड किया। स्टेयर्स की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 3 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 10 फीट की होगी। अभी तक आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप इजीली मैसेज वगैरह करके हमसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, जो कि आप चाहें तो अपना घर वगैरह भी हमसे बनवा पाएंगे। इस साइड हमने एंट्रेंस गेट प्रोवाइड किया, जो कि 3.5 फीट का होगा। इसी गेट से एंट्र होती का फिर आपको ड्राइंग रूम मिलेगा। अब ड्राइंग रूम के एरिए की बात करें तो आपकी 10 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 9 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके सोफे टेबल्स वगैरह इजीली एडजस्ट कर पाएंगे। इस साइड से इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने फ्रंट साइड द्वारा विंडोज़ भी प्रोवाइड किया, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। आप चाहे तो अलमीरा वगैरह भी साइड अपने प्रोवाइड करा पाएंगे, जिसमें अपने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह लगा पाएंगे। इस साइड के ट्रेंस गेट मिलेगा, जो कि हमने 3 फीट का गेट प्रोवाइड किया। इसी गेट से एंट्र होती का फिर आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिलेगा। अब इसके एरिया की बात करें तो आपकी 9 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 8.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके डाइनिंग टेबल वगैरह इजिली एडजस्ट कर पाएंगे, जिसमें आप इजिली अपना डिनर वगैरह कर पाएंगे, अपने गेस्ट वगैरह को भी साइड बिठा पाएंगे, अपना खाना वगैरह सर्व कर पाएंगे। इस साइड आप टीवी वगैरह भी देख पाएंगे। इसी के बराबर में ये हमारा ग्लास वाला जो डोर है, इसी के बराबर में आपको ये किचन का डोर होगा। हमारा 2.5 फीट का हमने गेट प्रोवाइड किया। इसी गेट से एंट्र होती का फिर आपको किचन मिलेगा। अब इस किचन के एरिए की बात करें तो आपकी 8.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 6 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके स्लैब, चूल्हे और वॉशिंग मशीन वगैरह इजली एडजस्ट कर पाएंगे, अपने फ्रिज वगैरह, कैबिनेट्स वगैरह जिसमें आप इजली इंस्टॉल कर पाएंगे। जो काफ़ी बड़ा आपको किचन मिलेगा, जो कि हमने टाइल्स का यूज़ किया है फ्लोर पर। इस साइड से उसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी प्रोवाइड किया है, जो कि इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। इसकी स्मेल और स्मोक वगैरह सब इसी के द्वारा बाहर निकलती रहेगी। अब ठीक इसी से बैक हो तो आपको एक और गेट मिलेगा, जो कि हमने 2.5 फीट का एक और गेट प्रोवाइड किया है, जो कि टॉयलेट कम्बाइन बाथरूम का हमने गेट लगाया है। इसी गेट से एंट्र होती का फिर आपको टॉयलेट कम्बाइन बाथरूम मिलेगा। अब इसके एरिए की बात करें तो आपकी 4.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 6.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके बाथ टब, शावर्स और टॉयलेट शीट वगैरह इजली एडजस्ट कर पाएंगे, वॉश बेसिन वगैरह जिसमें आप इजली अपना हैंड वॉश वगैरह कर पाएंगे। आप चाहें तो 7-7 फीट तक का टाइल्स लगा पाएंगे, जिसमें आपको सीलन पपड़ी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इस साइड से उसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी प्रोवाइड किया, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। इसकी स्मेल और स्मोक वगैरह सब इसी विंडो के द्वारा निकलती रहेगी। अब इसी से अटैच एक आपको OTS मिलेगा। अब इस OTS के एरिए की बात करें तो आपकी 4.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 3 फीट की इसकी लंबाई होगी। इससे आपके विंडोज़ वगैरह अटैच होगा। अब इसी के गेट के बराबर में देखें तो हमने वॉश बेसिन का स्पेस भी प्रोवाइड किया, जिसमें इजिली आप अपने हैंड वॉश वगैरह कर पाएंगे, अपना ड्रेसअप वगैरह कर पाएंगे। ठीक इसी के बराबर में आपको एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे बेडरूम का गेट होगा, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम होगा। हमने 3 फीट का गेट प्रोवाइड किया है। इसी गेट से एंट्र होती का फिर आपको बेडरूम मिलेगा। अब इस बेडरूम के एरिए की बात करें तो आपकी 9.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 10 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके टेबल वगैरह इजिली एडजस्ट कर पाएंगे, डबल बेड्स वगैरह। काफ़ी बड़ा आपको ये आपको बेडरूम मिलने वाला है, काफ़ी बड़ा आपको बेडरूम मिलेगा। इसमें आपके डबल बेड्स, टेबल्स और अलमीरा वगैरह इजली एडजस्ट कर पाएंगे, जिसमें आप अपने क्लॉथ वगैरह रख पाएंगे, अपना ड्रेसअप वगैरह कर पाएंगे, मिरर वगैरह लगाकर। इस साइड से उसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज भी प्रोवाइड किया, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। अब इस प्लान की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो ये प्लान 5 लाख में बनने वाला है, जो कि आप चाहे तो बनवा सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।